वैसे स्टूडेंट जो खासकर जहाँ मिले इस्लाम में BLLV के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में BLLV के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी जो मैं कट ऑफ वाली वीडियो जो बना रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा अपना एनालिसिस है। अभी हो सकता है इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका जो भी मार्क्स आया है वो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे पहला, और इससे ये होगा कि बाकी स्टूडेंट को भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा फाइनली कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे हैं, और फिर हो सकता है उस हिसाब से फिर कट ऑफ में कम बेसी हो सकते हैं। मैंने पेपर देखा है, पेपर का एनालिसिस भी किया अच्छे से, और पेपर के एनालिसिस करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि बेसिकली अगर आप कहें तो जामिया का कट ऑफ दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ़ फॉर्म पे, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने अप्लाई हुए वो, यानी कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। दूसरा, पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि पेपर का लेवल इस बार कैसा रहा है। जैसे सिंपल सी बात है, पेपर अगर इजी रहेगा ऑफ कोर्स कट ऑफ हाई जाएंगे, और अगर पेपर टफ रहेंगे कट ऑफ मीडियम, मॉडरेट या लो रहेंगे, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हर साल जामिया का या फॉर्म के बारे में बात करें तो लगभग हर साल कॉमन ही रहता है। इस बार मैं जब भी डेटा जो दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है। ऑलमोस्ट 5000 के आसपास, 5 से 6000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाला था जामिया में BLLV के लिए। और यहाँ पर अगर BLLV में बात करें तो सिंपल सी बात है, जो मेरिट बनते हैं वो दो टाइप का बनते हैं, एक रेगुलर का बनता है, दूसरा सेल्फ फाइनेंस का। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में जो मार्क्स का जो डिफरेंस देखा जाता है नॉर्मली, वो 5 से 7 मार्क्स का देखा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए जनरल का कट ऑफ अगर रेगुलर में अगर मान लीजिए 95 के आसपास जाता है, तो सेल्फ फाइनेंस में जो है वो 85 के आसपास रहेंगे। तो यही रहेगा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको डिफरेंसेस खुद से एक एज्यूम कर लेना है। हाँ, दोनों में फ़र्क कुछ खास नहीं है। जैसे रेगुलर में क्या होता है, उनका क्लास मॉर्निंग में चलता है, और जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उसका आफ्टरनून में चलते हैं, आफ्टरनून से चलता है इवनिंग तक। बाकी सर्टिफिकेट दोनों का एक ही मिलता है, कोई अलग नहीं मिलता है। पेमेंट इनको ज़्यादा करना पड़ता है, रेगुलर वाले को 10,000 करना पड़ता है और सेल्फ फाइनेंस वालों को 40,000 करना पड़ता है। खैर, अब हम आते हैं फाइनली, हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो मैंने पेपर एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पिछले साल के कंपेरिजन में टफ नहीं बल्कि उससे मॉडरेट लेवल का है। इस बार हम कह सकते हैं कि पेपर नहीं बहुत ज़्यादा इजी और नहीं बहुत ज़्यादा टफ, मॉडरेट लेवल के इस बार पेपर पूछा गया है। मॉडरेट लेवल इसका मतलब है कि स्टूडेंट आराम से अगर ढंग से पढ़ कर गए होंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो स्कोर किए होंगे। मगर जो पढ़ कर गए हैं, ऐसे जो नहीं पढ़ कर गए हैं, उनका मुश्किल से हो सकता है 60 से 65 या 60 के आसपास हो, या 50 से 60 के आसपास जाएंगे, इससे ज़्यादा जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन का अपना ही वैल्यू, अपना ही वेटेज है। हाँ, हो सकता है वो ईजी हो, बट उनकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। चलिए, हमने पेपर एनालिसिस किया ढंग से, पेपर मॉडरेट लेवल का है, और अब हम आपको कैटेगरी वाइज के हिसाब से कट ऑफ बताते हैं कि क्या इस बार जाने वाला है। अभी पहले हम रेगुलर का बता रहे हैं, फिर सेल्फ फाइनेंस का बता देंगे। रेगुलर में अगर हम बात करें, इस बार जो कट ऑफ जनरल का जाने वाला होगा, जो अब तक हमें लग रहा है उस हिसाब से इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो 90 से 100 के बीच में, या हो सकता है 105 के आसपास में जा सकते हैं जनरल का कट ऑफ। क्योंकि नॉर्मली जामिया का BLLV काफ़ी अच्छा है, इस वजह से इसके कट ऑफ भी हाई रहते हैं। ये अब मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि 85 तो जाना मुश्किल होगा। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेड मानना है कि 90 से लेके 100 या 110 के आसपास में मैक्सिमम, इतने ज़्यादा से उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ये हो गया जनरल कैटेगरी का, इसमें हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ फाइनेंस में अगर बात करें इसी का भी, तो जो कट ऑफ होने वाले होंगे 85 से लेकर 95 के बीच में रहने वाले होंगे सेल्फ फाइनेंस का, ये कट ऑफ जा सकते हैं। तो मैंने आपको यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का मैंने कट ऑफ बता दिया, इस बार का एक्सपेक्टेड है 5 से 10 मार्क्स का अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। अब अगर हम मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, तो मुस्लिम में मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ अभी, और दूसरा मुस्लिम में हम सेल्फ फाइनेंस बता रहे हैं। मुस्लिम में रेगुलर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 85 से लेकर के 95 के बीच में जा सकते हैं, और अगर हम यही इसके बारे में बात करें तो इसका जो 80 से 90 के बीच में जा सकते हैं, किसका, सेल्फ फाइनेंस का, मुस्लिम कैटेगरी का। अब इसके बाद अगर हम, क्योंकि इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी हम यहाँ पे मेजर करेंगे वो मुस्लिम वुमेन का और मुस्लिम OBC का, ठीक है, इसमें भी रेगुलर एक होगा, और इसमें भी जो है अगेन हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम OBC का, और इसका जो हम सेल्फ फाइनेंस कर दे रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब मैंने बता ही दिया रेगुलर के कंपैरिजन में सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ कम रहते हैं, तो जो मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम OBC के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 75 से लेकर के 85 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं इस बार का। मैं फिर से कह रहा हूँ, 4-5 मार्क्स का कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी जा सकते हैं, या इसके आसपास रह सकते हैं।
यही अराउंड रहेगा, मेरा ये रेंज है इस बार का, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ रहा था। वही अगर हम मुस्लिम वुमेन मुस्लिम ओबीसी की बात करें यानी सेल्फ फाइनेंस में, तो इनके कट ऑफ 70 से लेके 82 या 85 के बीच में जा सकते हैं। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मुस्लिम वुमेन के लिए भी मुस्लिम ओबीसी के लिए भी, क्योंकि इन दोनों का कट ऑफ में सिर्फ 1 से 2 मार्क्स का डिफरेंस देखा गया है, इसलिए मैं दोनों को मर्ज कर दिया हूँ। बाकी जैसे कुछ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियसली 2 को सिटी है तो उसका कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो है 80 प्लस रहे या फिर 85 या 75 प्लस भी रहे, क्योंकि उसमें 2 सीट्स होती है। बाकी PWD कैटेगरी हो गई, सब कोई ऐसा स्पेसिफिक निकलता नहीं है, कट ऑफ बस ये लिस्ट में नाम आ जाते हैं। बाकी मैंने कट ऑफ वाली वीडियो तो बता दिया है, इसी के आसपास रह सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट करिए, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि अपकमिंग में या एक हम फाइनल वीडियो हो सकता है आने वाले टाइम में बनाएं, उससे आपको फाइनली एकदम से आइडिया लग जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करिएगा। थैंक यू।